चल, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे रिलेशन किसके किसके बीच का, केपी के केसी के बीच का, केपी के एक्स के बीच का और केसी के एक्स के बीच में। इसमें एक वो पॉइंट लिखाए थे कि केपी केसी के बीच वाले रिलेशन में हम लोग एक वो पॉइंट लिखवाए थे के पी बराबर के सी आर टी का पावर डेल्टा एन, यही ना लिखवाए थे। और डेल्टा एन के अलग अलग वैल्यू के लिए के पी और के सी के बीच में अलग अलग रिलेशन था। डेल्टा एन जब 0 हो जा रहा था तब के पी और के सी आपस में क्या था, इक्वल था। डेल्टा एन 0 से अगर बड़ा हो जा रहा था तो के पी का वैल्यू ग्रेटर था, किससे, के सी से। और डेल्टा एन का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो जा रहा था तो के सी बड़ा हो जा रहा था, किससे, के पी से। क्लियर है? अब आइए इसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का बात। चलिए, के पी और के सी तो बराबर होता है, ये तो बात हम भी जान गए फॉर्मूला से उधर से, लेकिन एक्चुअल में अगर वैल्यू रख के देखा जाए किसी रिएक्शन के बेसिस पर, तो क्या सही में के पी और के सी बराबर होगा जब डेल्टा एन 0 हो? बात समझ में आ रही है? तो उस कंडीशन के लिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रोसेस को देखते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया का केस फर्स्ट अगर देखें तो केस फर्स्ट होगा कि व्हेन डेल्टा एन बराबर 0। डेल्टा एन किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, तो देन के पी इज इक्वल टू के सी, यही ना जानते हैं हम लोग, बोलो। देन के पी इज इक्वल टू, तो अब क्या सही में के पी और के सी इक्वल होता है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, रिएक्शन कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन लेते हैं H2+I2 गिव्स 2HI। देखो यहां से डेल्टा एन 0 के बराबर है, कोफिशियंट का प्रोडक्ट कितना, 2, आया 1+1, तो 1+1 क्या हो जाएगा, 2, तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर है। क्लियर है? अब देखो, अगर इनिशियली इनिशियली अगर H2 a मोल है और I2 b मोल है, तो ये तो कुछ नहीं बना होगा, ये कुछ भी नहीं बना होगा। एट इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पर अगर x मोल इसमें से कम हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो a-x मोल बचेगा, और इधर क्या बनेगा, b-x मोल बचेगा। ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा, 2x मोल बनेगा। कितना मोल, 2x, क्योंकि कोफिशिएंट के बेसिस पर देखेंगे। एट कंसंट्रेशन पे, जबकि भी जो है वॉल्यूम जो है भी लीटर हो जाए, कितना लीटर, भी लीटर, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम, तो क्या होगा बताना, a-x/v मोल पर लीटर, इसका क्या हो जाएगा बताओ, b-x/v मोल पर लीटर, और 2x/v क्या होगा, मोल पर लीटर। क्लियर है? अब यहाँ से अगर हम लोग देखें, ध्यान देना, तो इसमें हम लोग को, अब देखो ध्यान से, H2 और I2 लिए, 2HI बना,
इनिशियली अगर यह एक मोल है तो ये क्या है, बी मोल है, और ए मोल है ये क्या है, बी मोल। यहाँ कुछ नहीं बना। इक्विलिब्रियम पर कुछ अमाउंट रिएक्टेंट से किसमें कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में, तो इसमें से एक्स यूनिट घटा, तो इसमें से भी एक्स यूनिट घटा, तो यहाँ कितना बचा, 2x बना। कंसंट्रेशन के बेसिस पर अगर वॉल्यूम कुछ सॉल्यूशन का वॉल्यूम या उस रिएक्शन के लिए वॉल्यूम है भी मिली भी लीटर है, तो यही लिखे हैं एट कंसंट्रेशन वॉल्यूम क्या भी लीटर, तो कंसंट्रेशन क्या होगा टोटली, ए माइनस एक्स बाई भी, बी माइनस एक्स बाई भी और 2x बाई भी। क्लियर है। अब कैलकुलेशन ऑफ केसी करते हैं, कैलकुलेशन, अच्छा ये तो ऊपर चला गया, कैलकुलेशन ऑफ केसी। अगर केसी का कैलकुलेशन करें तो देखना क्या लिखेंगे, केसी बराबर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ एच आई का क्या स्क्वायर डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एच टू इन टू कंसंट्रेशन ऑफ आई टू। अब देखिएगा केसी के जगह पर वैल्यू रखेंगे, एच आई का वैल्यू क्या है, 2x बाई भी, बोलिए सब लोग क्या है, 2x बाई, 2x बाई भी का क्या स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स बाई भी आ इनटू बी माइनस एक्स बाई भी, बी माइनस एक्स बाई भी। तब केसी बराबर क्या होगा, देखिए 2x का स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर बाई भी स्क्वायर इनटू भी ऊपर चला गया, तो भी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स इनटू बी माइनस एक्स। ठीक है, भी स्क्वायर से भी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो के सी बराबर क्या हो गया, 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स इनटू बी माइनस एक्स। ये तुम्हारा किसका वैल्यू निकला, के सी का, जहाँ पर एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल और ए क्या है, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एच टू, और बी क्या है, इनिशियल अमाउंट ऑफ या इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट नहीं बोल के उसको मोल ही बोलेंगे, ठीक है, अमाउंट तो दिया रहेगा तो फिर मोल निकालना। यहाँ तक क्लियर है। अब केपी निकालना है तो देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ केपी, तो केपी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर का केस होता है, अरे हाँ ना बोलिए, और पार्शियल प्रेशर डाल्टन्स लॉ से क्या बोला गया था, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, यही ना था, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो देखिए ध्यान से, टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर कुछ मानना होगा, कंसीडर करना होगा, यहां लिखते हैं लेट टोटल प्रेशर बराबर पी मान ले या पीटी भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टोटल मोल निकालते हैं, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा टोटल मोल, देखिएगा क्या था बताइए, तो इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल क्या था, देखिए ए माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस टू एक्स, यही ना था, बोलिए तो बराबर क्या लिखेंगे, बराबर ए माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस टू एक्स, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ई एक्स टू एक्स कैंसिल हो गया, तो टोटल मोल निकाल लिए, इनिशियल मोल हम लोग को पता है, टोटल मोल पता चल गया तो मोल फ्रैक्शन निकल गया, और टोटल प्रेशर सबके लिए क्या मान लिए, पी मान लिए, तो मोल पार्शियल प्रेशर सबका निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो देखिए पी एच टू, पी एच टू क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू, तो गिवेन मोल एच टू का क्या था, इक्विलिब्रियम पर बताइए, अभी लिखे है ना,
एच टू का इक्विलिब्रियम पर क्या था मोल बताइए, ए माइनस एक्स, वेरी गुड, ए माइनस एक्स बाई ए प्लस बी इन टू पी, पी आई टू क्या होगा, बी माइनस एक्स बाई ए प्लस बी इन टू पी। अब पी एच आई क्या था, टू एक्स बाई ए प्लस बी इन टू पी। अब आगे देखिए, के पी इज इक्वल टू क्या होगा, पी एच आई का क्या स्क्वायर, पी एच टू इन टू पी आई टू, ठीक है। के पी बराबर एच आई की जगह पर क्या लिखेंगे, टू एक्स बाई ए प्लस बी इन टू पी का क्या स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स बाई ए प्लस बी इन टू पी इन टू बी माइनस एक्स बाई ए प्लस बी इन टू पी, ठीक है। अब के पी बराबर क्या हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर, एक ही बार में लिख देते, एक ही सिंबल में लिख देते हैं ताकि समझना आसान होगा, फोर एक्स स्क्वायर इन टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर इन टू ए प्लस बी इन टू ए प्लस बी, ऊपर जाएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स इन टू ए माइनस एक्स इन टू बी माइनस एक्स इन टू पी इन टू पी, क्या होगा, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर खत्म, ए प्लस बी स्क्वायर से ए प्लस बी का स्क्वायर खत्म, ठीक। बचा क्या, बचा यही कि के पी बराबर फोर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स इन टू बी माइनस एक्स, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन वन एंड टू इज क्या क्लियर, दैट क्या क्लियर किया, व्हेन डेल्टा एन इज इक्वल टू जीरो देन के पी इज इक्वल टू के सी, यही ना था बुआ, यही ना प्रूफ करना था। देखो के पी का वैल्यू, देखो देखो के सी का वैल्यू क्या था, फोर एक्स स्क्वायर बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, उसी तरह से यहां पर अगर आया तो क्या हो गया, फोर एक्स स्क्वायर के पी, के पी बराबर फोर एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, क्लियर हो गया, कोई डाउट किन्हीं को। अब आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट एक टॉपिक देखते, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में डी ओ डी भी लोग हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट भी करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से, तो अल्फा बराबर होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, माने अगर 100 नंबर में 10 नंबर 20 नंबर आया तो कितना हो गया, 20 बटा 100, समझ में आया, वही क्या हो गया अल्फा, तो इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं अल्फा बराबर एक्स बाई ए, एक्स बाई ए, जहां पर एक्स क्या है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल फॉर्म और ए क्या है इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अल्फा परसेंट निकालने के लिए कहा जाए तो क्या लिखेंगे, एक्स बाई ए इन टू 100, जो वैल्यू होगा वही क्या होगा अल्फा परसेंट या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं इसको, हम लोग अल्फा को बोलते हैं, अल्फा जो है हमारा उसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल सकते हैं,
डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी डीओडी क्या है, डीओडी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा परसेंट बोले या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोले, तब क्या होगा एक्स बाई ए इंटू हंड्रेड। अच्छा मान लो इफ डीओडी, अगर मान लो डीओडी ए 79% रहेगा, 79% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहा, तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, डीओडी जो है 79% होगा तो अल्फा कितना होगा, तो अल्फा बराबर क्या 79 है भाई 100 0.79, समझ में आया गया हाँ, तभी ना परसेंट है जाएंगे तो डिवाइड में 100 से करेंगे, यानी 100 में कंपैरिजन कर लिए कि 100 में 70% डिसोसिएट हुआ, 79% अगर कोई चीज डिसोसिएट हुआ तो बचा कितना होगा 21% है ना, किसे परसेंट ना बचेगा, तो वही 79% को हटाएं तो डिवाइडेड बाय 100 कर दिए तो अल्फा निकल गया, बात समझ में आ रहा है। और इसी को अगर अल्फा के वैल्यू को अल्फा परसेंट में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तब भी क्या होगा अल्फा निकल जाएगा, ठीक है। अल्फा परसेंट जो होता है ये भी होता है, अल्फा इंटू 100 भी होता है, समझ में आया। अच्छा यहां से एक चीज और भी क्लियर हुआ, नोट अल्फा बराबर एक्स बाई ए, तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, ए अल्फा भी तो लिख सकते हैं, यानी कोई सब्सटेंस को एक्स यूनिट घटाएं या ए अल्फा यूनिट घटाएं, बात बराबर है, लेकिन ए अल्फा कब लगाएंगे, जब कहीं किसी सब्सटेंस का डिसोसिएशन हो, क्या हो डिसोसिएशन हो, ठीक है। अगर अल्फा का वैल्यू एफ अल्फा इज इक्वल टू वन देन डिसोसिएशन, देन 100% डिसोसिएशन, अल्फा इज वन सो 100% डिसोसिएशन, सो 100% डिसोसिएशन, क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया टोटल, अल्फा एक्स ये सारा टर्म समझ में आ गया, डिसोसिएशन का केस क्लियर हुआ, अब आगे बढ़े। चलो अब देखो केस टू, व्हेन डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एन जीरो से क्या होगा बड़ा होगा, तो देन KP नॉट इज इक्वल टू KC लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत है, अगर बड़ा छोटा नहीं होगा तो बराबर होगा नहीं होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो क्या होगा बड़ा या छोटा होगा, और बड़ा या छोटा हो तो मतलब बराबर नहीं हो, ये भी तो लिख सकते हैं, KP KC जब बराबर नहीं हो तो या तो बराबर बड़ा हो KP KC में, अगर मान लो KP या KC एक बड़ा हो या छोटा हो तो इसका मतलब ये होना कि बराबर नहीं होना, बराबर नहीं है, लेकिन कब डेल्टा एन जीरो से बड़ा हो, तो देखो लेट अस कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हम लोग कंसीडर किए जिसमें लिखे पीसीएल 5 जब टूटता है तो PCl3 और Cl2 में टूटता है, PCl3 और Cl2 में टूटता है, ठीक है। अगर मान लो इनिशियली अगर ये A यूनिट है या A मोल है तो यहां तो कुछ नहीं बना होगा, बोलो हाँ ना, अरे बोलो, एट इक्विलिब्रियम पे, अगर इक्विलिब्रियम पे ये A अल्फा मोल बन रहा है और ये ए अल्फा मोल बन रहा है तो यहां से क्या घटेगा, ए माइनस ए अल्फा घटेगा कि नहीं घटेगा, बोलो यहां तक कोई दिक्कत, आ ए अल्फा ही ना एक्स के बराबर था तो यहां हम एक्स यहां एक्स यहां एक्स और यहां एक्स की जगह पर हम लोग क्यों लिख दिए ए अल्फा, अल्फा इसलिए लिखे कि देखो पीसीएल 5 जो है टूट रहा है किसमें, पीसीएल 3 और सीएल 2 में, यानी डिसोसिएट हो रहा है,
क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसकी जगह पर क्या लिखें, ए अल्फा के रूप में लिखें। समझ में आ गया, एक्स भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ए अल्फा एक्चुअल डिसोसिएशन को शो कर देता है। ठीक है, अगर देखो एट कंसंट्रेशन की बात की जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी लीटर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा वो बताओ, ए माइनस ए अल्फा बाई वी मोल पर लीटर, इधर क्या हो जाएगा ए अल्फा मोल पर लीटर, और इधर क्या हो जाएगा ए अल्फा मोल पर लीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक किसी को समझने में कोई डाउट है तो बताओ। शुरुआती में एक ए मोल था, यहां कुछ नहीं बना, अब चूंकि डिसोसिएट हो रहा था, अभी तुरंत पढ़ाए हैं एक्स बराबर ए अल्फा, इन्हें पढ़ाए अभी, देखे हो आप लोग, तो एक्स यहां लिखते, यहां एक्स लिखते, उसकी जगह पर हम लोग क्या लिख दिए ए अल्फा लिखे, और यहां क्या कर दिए ए माइनस ए अल्फा लिख दिए। अब ए अल्फा लिख दिए तो यहां क्या बच गया ए माइनस ए अल्फा लिख दिए। अब चूंकि वॉल्यूम भी है तो यहां क्या लिखेंगे ए माइनस ए अल्फा बाई भी मोल पर लीटर, ए अल्फा बाई भी मोल पर लीटर, ए अल्फा बाई भी मोल पर लीटर। यहां तक क्लियर है, अब कैलकुलेशन किसका करना है हम लोग को बाकी रह गया, केसी और केपी का। तो देखो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ केसी, किसका कैलकुलेशन करेंगे बाबू, केसी का, ध्यान देना इसमें। तो केसी का कैलकुलेशन करेंगे जब, तो केसी बराबर क्या लिखेंगे, पीसीएल थ्री इंटू सीएल, रुक जाओ, कंसंट्रेशन ऑफ पीसीएल थ्री इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सीएल टू डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ पीसीएल फाइव, है ना। तो केसी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा बताइए, ए अल्फा बाई भी इंटू ए अल्फा बाई भी, ए अल्फा बाई भी इंटू ए अल्फा बाई भी, इधर देखो ए माइनस ए अल्फा बाई भी, तो केसी बराबर क्या लिखेंगे बताइए, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई भी स्क्वायर इंटू भी ऊपर भाग जाएगा बी डिवाइडेड बाई ए माइनस ए अल्फा। चलो भी से भी कट गया तो एगो भी बच गया, इसमें से ए कॉमन ले लेते हैं, तो केसी बराबर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई भी इंटू वन माइनस अल्फा ए लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, ए से ए कट गया तो क्या बच गया, एगो ए बच गया, तो केसी फाइनली क्या बचा बताओ, केसी बराबर क्या बच गया, ए अल्फा स्क्वायर बाई वन माइनस अल्फा इंटू भी, यही ना बोलो तो, यही ना बचा बाबू, अब इसमें एक और टर्म देखना है, देखिएगा ध्यान से, केसी बराबर ए अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा इंटू भी लिख दिए। अब अगर मान लो इफ इफ अल्फा इज मोर स्मॉलर देन वन, अल्फा का वैल्यू एक से बहुत छोटा हो जाना, मतलब डिसोसिएट होना, एक के बराबर हो जाएगा तब तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, तो 100% डिसोसिएट होगा तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो हो जाएगा तो केसी का पूरा टर्म क्या होगा, इनफाइनाइट। इक्विलिब्रियम का रिएक्शन कभी भी कंप्लीट होता है, यानी 100% डिसोसिएशन तो होता ही नहीं है, होगा संभव है नहीं, कभी कंप्लीट नहीं होता है, क्लियर है नहीं बात। तो अल्फा का वैल्यू अगर एक से बहुत छोटा हो जाए, बहुत कम डिसोसिएशन हो थोड़ा सा, उस कंडीशन में देन वन माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर, वन के बराबर, वन माइनस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा। देखो तो एक का वैल्यू, अब मान लो एक रुपया है, यहां पर 0.01 पैसा घटाना है,
है ना, 1 रुपया में से, तो समझ रहे हो, तो 1 रुपया के बराबर ही हो जाएगा लगभग। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ 1 माइनस अल्फा के, अल्फा का वैल्यू 1 से बहुत छोटा हो जाए, तो लगभग 1 माइनस अल्फा किसके बराबर, 1 के बराबर। तो जैसे ही 1 हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, तो क्या होगा वैल्यू के सी बराबर, बताओ तो, ए अल्फा स्क्वायर बाई भी, बोलो हाँ ना। अगर इसमें से अल्फा छांटना हो, अल्फा छांटना हो तो कैसे छांटेंगे, अल्फा अगर छांटना हो तो कैसे छांटे, भी डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, और ए मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड। तो डायरेक्ट पहले लिखेंगे अल्फा स्क्वायर बराबर क्या, के सी इंटू भी बाई ए, और ये स्क्वायर है इधर आ जाएगा तो क्या होगा रूट। तो क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर के सी इंटू भी बाई ए रूट अंडर। क्लियर है, के सी इंटू भी बाई ए, के सी कंसंट्रेशन हो गया, भी वॉल्यूम हो गया, ए इनिशियल मोल ऑफ सब्सटेंस हो गया। ठीक है, अब आगे देखना, ध्यान से देख लीजिए एक बार, इक्विलिब्रियम पर मोल ए माइनस ए अल्फा, ए प्लस ए अल्फा और ए अल्फा, है ना, यही ना है। अब हम लोग को क्या निकालना है, केपी निकालना है, क्या निकालना है बाबू, केपी। तो देखिए आगे कैलकुलेट, तो केपी के लिए क्या करना होगा, हम लोग को टोटल मोल निकालना होगा, टोटल प्रेशर निकालना होगा, तभी ना मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर करके पार्शियल प्रेशर सबका निकालेंगे, तब ना वैल्यू डालेंगे, जैसे पहले वाले में डाले हैं, डाले हैं ना, पार्शियल प्रेशर सबका निकाले थे। तो लिखेंगे क्या, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ केपी, केपी का कैलकुलेशन। तो देखो, लेट टोटल प्रेशर बराबर पी, टोटल प्रेशर बराबर पी, क्या कर रहा है, टोटल प्रेशर बराबर पी, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल इक्विलिब्रियम पर जब होगा, टोटल मोल जब इक्विलिब्रियम पर होगा तो क्या लेंगे, अभी ने पढ़ा है, ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा, तो बराबर क्या आ जाएगा बताओ, ए प्लस ए अल्फा, ए प्लस ए अल्फा आएगा, यही ना था। अभी तुरंत देखो, ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो ए प्लस ए अल्फा बच गया। अब हम लोग को पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का गिवेन मोल बाई टोटल मोल, गिवेन मोल बाई टोटल मोल। तो देखिए, पी पहला क्या था, पी सी एल फाइव, तो गिवेन मोल क्या था, ए माइनस ए अल्फा डिवाइडेड बाई ए प्लस ए अल्फा इंटू पी। तो बराबर देखो, इसमें से ए कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, ए कॉमन लेंगे दोनों में से तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा इंटू पी, यही ना बचेगा बुआ, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई डाउट, पी पी सी एल थ्री, तो उसका क्या था, ए अल्फा बाई ए प्लस ए अल्फा इंटू पी। तो बराबर देखो, इसमें से भी ए कॉमन लेंगे, ए से कैंसिल, तो अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू पी, और देखो पी सी एल थ्री, उसका भी क्या था, ए अल्फा गिवेन मोल बाई टोटल मोल क्या, ए प्लस ए अल्फा इंटू पी, बराबर ए कॉमन ले लिए, कैंसिल किए, तो क्या बच गया, फिर से अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा इंटू पी, माइनस कहाँ है, यहाँ माइनस बोल रही हो। अब देखो, सबका गिवेन मोल से मोल फ्रैक्शन निकाले, और मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर, सब क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर। अब देखो केपी, तो केपी बराबर हम लोग देखेंगे क्या, देखेंगे केपी बराबर लिखेंगे पी पी सी एल थ्री
इंटू पी सी एल टू डिवाइडेड बाई पी पी सी एल फाइव होगा बुआ। अब देखो इसी में आगे अगर हम बढ़े तो केपी बराबर क्या लिखेंगे, ऊपर ये वाला पीसीएल फाइव के लिए जगह पर क्या लिखेंगे, अल्फा बाई वन प्लस अल्फा इन टू पी, क्या हो गया ठीक तो है। पीसीएल थ्री कहां था लिखा हुआ, पी पार्शियल प्रेशर है, ए अल्फा इधर देखो अल्फा डिवाइडेड बाई वन प्लस अल्फा इन टू पी दो को हो गया और टोटल पीसीएल फाइव का क्या हो जाएगा देखो वन माइनस वन प्लस अल्फा इन टू पी वन माइनस अल्फा बाई वन प्लस अल्फा इन टू पी, तबे ठीक है मन ठीक है ध्यान दो यहां। अब देखिए केपी बराबर अल्फा स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस अल्फा का क्या होल स्क्वायर, इधर देखिए वन माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई वन प्लस अल्फा इंटू पी, अब आगे ऊपर नीचे कर देंगे इसको तो केपी बराबर अल्फा स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू वन प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई वन माइनस अल्फा इंटू पी, बात समझ में आ गया। तो अब इससे ही एक बार में कट गया तो वन प्लस अल्फा बच गया और पी स्क्वायर से पी स्क्वायर पी कट गया तो एगो पी बच गया और तो कुछ नहीं बचा, तो बचा क्या देखो के पी बराबर बचा क्या अल्फा स्क्वायर इंटू पी डिवाइडेड बाई वन प्लस अल्फा इंटू वन माइनस अल्फा, ठीक है ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा वन, सो देयरफॉर केपी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू पी बाई वन माइनस अल्फा स्क्वायर। इसको समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ तुम लोग ध्यान से, देखो जल्दी बताओ फिर आगे बढ़ेंगे, क्लियर है कोई डाउट इसमें बताओ आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं थर्मल डिसोसिएशन, ये वो टॉप टर्म है इसी के अंदर केस टू के अंदर ही, थर्मल डिसोसिएशन ऑफ N2O4 या डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। अब इसको देखिए ये बहुत आसान भी है, कंसीडर अ रिएक्शन N2O4 gives NO2, कितना NO2 2NO2, रिएक्शन बैलेंस है। अब देखिए ध्यान से इनिशियली यह एक मोल है तो यहां कुछ नहीं बना होगा, एट इक्विलिब्रियम पर अगर इसमें से अल्फा घटा होगा तो वन माइनस अल्फा घटा, चूंकि डिसोसिएशन हो रहा है ना N2O4 दो को NO2 में टूट जा रहा है, ये ना हो रहा है देखो तो एक में से अल्फा घट जा रहा है, अल्फा यूनिट ही एक यूनिट है तो अल्फा यूनिट घट गया, टू और टू यूनिट रहता तो टू अल्फा घट जाता, तीन यूनिट रहता तो थ्री अल्फा डिसोसिएट होता, जितना यूनिट रहेगा उसके हिसाब से डिसोसिएशन होगा। अब यहां पर बना क्या टू अल्फा बना, एट कंसंट्रेशन के बेसिस की पर बात की जाए वॉल्यूम क्या हो जाएगा वी लीटर, तो वन माइनस अल्फा बाई वी क्या होगा मोल पर लीटर, यहां मोल नहीं माने हैं मोल मान लेते हैं, इसको भी मोल कह देते हैं इसको भी मोल कह देते हैं, इधर क्या हो जाएगा टू अल्फा बाई भी
मोल पर लीटर। तो केसी बराबर क्या होगा बताओ बाबू, एनओ टू का क्या स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एन टू ओ फोर का क्या, कुछ नहीं स्क्वायर नहीं होगा यहां। अब देखो तो यहां से क्या लिखेंगे बताओ, तो टू अल्फा बाई भी का क्या स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा वन माइनस अल्फा बाई भी। तो फाइनली केसी क्या लिखेंगे बताओ, केसी बराबर क्या होगा फोर अल्फा स्क्वायर बाई भी स्क्वायर इन टू भी बाई वन माइनस अल्फा, भी से भी कटेगा एगो भी बचेगा और कुछ नहीं, और कोई उपाय नहीं है। तो केसी बराबर फाइनली क्या होगा फोर अल्फा स्क्वायर बाई भी इन टू वन माइनस अल्फा। यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो बताइए, एक बार देख लीजिए जल्दी से, क्लियर है। अगर केपी केपी का कैलकुलेशन करना हो तब कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ केपी, कैलकुलेशन ऑफ केपी, तो केपी के लिए क्या लेट टोटल प्रेशर बराबर क्या होगा पी, टोटल प्रेशर बराबर पी आर टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा वन माइनस अल्फा प्लस टू अल्फा, तो क्या होगा वन प्लस अल्फा हो जाएगा, बोलिए हाँ वन प्लस अल्फा होगा क्लियर है। तो अब बताइए केपी बराबर क्या होगा, नहीं सॉरी पी पी एन टू ओ फोर, तो गिवेन मोल कितना है इक्विलिब्रियम पर वन माइनस अल्फा, तो वन माइनस अल्फा बाय टोटल मोल क्या वन प्लस अल्फा एन टू पी, अब पी एन ओ टू क्या होगा बताइए टू अल्फा गिवेन मोल अब बाय टोटल मोल क्या वन प्लस अल्फा इन टू पी। अब आगे देखिए केपी बराबर क्या हो जाएगा, केपी बराबर पी एन ओ टू का क्या स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी एन टू ओ फोर, यही ना होगा बाबू। तो केपी बराबर क्या है देखिए, यही ना वाला है टू अल्फा बाई वन प्लस अल्फा इंटू पी का क्या होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस अल्फा बाई वन प्लस अल्फा इंटू पी, यही ना होगा बुआ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें थोड़ा सा इसको अब देखिए, तो यहां से केपी बराबर क्या होगा फोर अल्फा स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर बाई वन प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू वन प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई वन माइनस अल्फा इंटू पी, क्लियर है। तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस अल्फा से वन प्लस अल्फा कैंसिल हो जाते, वन प्लस अल्फा बच गया एगो पी बच गया, तो फाइनली के पी बराबर क्या होगा फोर अल्फा स्क्वायर इंटू पी वन प्लस अल्फा इंटू वन माइनस अल्फा, लिख देते पहले वो लिख देते हैं वन प्लस अल्फा इंटू वन माइनस अब आगे वाला पेज में हम इसको करते हैं, देख लीजिए केपी बराबर फोर अल्फा स्क्वायर इंटू पी वन प्लस अल्फा इंटू वन माइनस अल्फा। तो सो देयर फॉर फाइनली केपी बराबर क्या हो जाएगा फोर अल्फा स्क्वायर इंटू पी वन माइनस अल्फा स्क्वायर, यही ना होगा।
अगर मान लो इसमें से अल्फा निकालना हो तब क्या निकालना हो, अल्फा, तो देखो कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, देखो तो केपी बराबर है 4 अल्फा स्क्वायर इंटू पी बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक, रिसिप्रोकल करेंगे ऊपर नीचे, तो 1 बाई केपी बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 4 अल्फा स्क्वायर इंटू पी। अच्छा देखो तो 4 और पी इधर डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 4 पी बाई केपी बराबर क्या होगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर, बोलो। अब अल्फा स्क्वायर से दोनों में डिवाइड करते हैं अलग अलग, तो 4 पी बाई के पी बराबर 1 बाई अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1, तो 4 पी बाई के पी बराबर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 इधर आ जाएगा था प्लस 1, तो 4 पी बाई के पी प्लस 1 बराबर 1 बाई अल्फा स्क्वायर, बोलो है ना। आ देखो ये के पी से क्या हो जाएगा, ऊपर में ऐड होगा एलसीएम लेके, तो 4 पी या प्लस के पी या बाई के पी बराबर क्या 1 अल्फा स्क्वायर, फिर चेंज करते हैं रिसिप्रोकल, फिर कर देते हैं नीचे वाला ऊपर, चूंकि एक बार करिए दूसरा कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे बताओ, 4 हाँ अल्फा स्क्वायर बराबर के पी या डिवाइडेड बाई 4 पी या प्लस के पी, ये आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा रूट, रूट हो जाएगा, तो फाइनली अल्फा बराबर क्या होगा, रूट अंडर के पी बाई 4 पी या प्लस के पी। इसको एक बार जल्दी से देख लो तो एक बार समझ में आया कि नहीं आया। हो गया क्या है, आगे हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।